नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका दोस्त जगवीर सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कोच एंड बिजनेस कोच। आज हम जिनके पास आए हैं उनको किसी प्रकार के परिचय की जरूरत नहीं है। अपना घर आश्रम, ये एक वो आश्रम है जिसमें सबके लिए जगह है, सबके लिए इज्जत है, सबके लिए प्यार है। ये हम जिनके पास बैठे हुए हैं डॉक्टर बीएम भारद्वाज एंड डॉक्टर माधुरी भारद्वाज, ये वो हैं। इन्होंने अपना घर आश्रम के अंदर एक ओनरशिप की फीलिंग बिल्ड की, जिससे आज भी कोई प्रभु जी इनके यहाँ जो हैं वो कभी ये नहीं कहते कि ये इनका आश्रम है, वो कहते हैं ये हमारा आश्रम है। करीबन इसी फीलिंग को बिल्ड करते हुए इन्होंने 30 से ज़्यादा आश्रम पूरे देश में बनाए। उसके बाद 6000 से ज़्यादा प्रभु जी इनके आश्रम में रहते हैं आज भी। उसके बाद ये सिर्फ और सिर्फ इंसानों को ही नहीं रखते, ये जानवरों को भी रखते हैं। जो जानवर जैसे किसी भी तरीके की दुर्घटना में, एक्सीडेंट में अगर वो जख्मी हो जाते हैं तो ये उनको भी लेकर आते हैं अपने पास, उनका इलाज करते हैं, उनकी अच्छी तरीके से ध्यान रखते हैं। अब मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सीधे आपको डॉक्टर साहब के पास लेकर जाऊंगा और उनसे हम पूछेंगे कि ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। सर, ये बात बहुत की है। हमारे गांव में एक वैद्य थे, उनका कोई नहीं था। अच्छा, बेसिकली हम लोग उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट का दीगर गांव शहर हुई है, वहाँ के रहने वाले हैं। तो चिरंजी उनका नाम था, उनका अपना कोई नहीं था। और उन दिनों मैं 6 क्लास में पढ़ता था और उनकी उम्र करीब 80 वर्ष के करीब रही होगी। वो ग्वाला का काम करते थे, उनके शरीर में घाव हो गए, प्रॉपर चिकित्सा नहीं हो पाई, फिर कीड़ा पड़ गए उनके, और अंततः हमारी बगीचे थी वहाँ पर उनकी मौत हो गई। मैंने काफ़ी नज़दीक से देखा, तो उस समय से मन में ऐसा भाव था कि जिनको कोई संभालने वाला नहीं होता है उनके लिए कुछ, बस वहाँ से एक भाव था। फिर मेडिकल ग्रेजुएशन के लिए यहाँ बना हुआ और यहाँ आने के बाद मेडिकल ग्रेजुएशन कम्प्लीट हुआ और अपना घर आश्रम का शुभारम्भ कर दिया। फिर सर, आपने इसको इतना आज भी ग्लोबली इतना अच्छा फ्लरिश कर रहे हैं, इतना बड़ा कैसे किया? क्योंकि एक नॉर्मल इंसान को भी इतना बड़ा, अगर बिजनेस भी हो तो उसको ब्रांचेस में लाने के लिए, फ्रेंचाइजीज देने के लिए उसको सालों बीत जाते हैं। आपने इसको कुछ ही टाइम के अंदर ब्रांचेस भी बना लिए अपनी, जो एक टाइप की फ्रेंचाइजीज भी बहुत है आपकी। आपने 32 से ज़्यादा आपके आश्रम, कैसे हुआ ये सब मेरे को बताएं। ये तो सब अपने आप हो गया, ये एक नेचर का रूल्स हम लोग फॉलो करते हैं। अच्छा, नेचर का रूल्स है, जो भी इस धरा पर आया है उसके लिए जो बेसिक नीड्स है ना, ऑक्सीजन, जल, भोजन, आवास और वस्त्र, ये व्यवस्था परमात्मा पहले फर्स्ट डे अलॉट कर देता है जन्म के साथ ही। किसी प्राणी को धरा पे भेजता है तो ये चीज़ उसके लिए अलॉट कर देता है। हमें ये पता है कि ये व्यवस्था है, ये उनके साथ आनी आनी है, तो आवश्यक रूप से हमारा जो कॉन्सेप्ट था सभी को प्रवेश दिया जाता है। ये ऐसा होम है देश में जहाँ पर कोई भी टी बी हो के हो, एड्स की बीमारी हो, कैंसर की हो, मनोरोगी हो, मंदबुद्धि हो, हड्डी टूटे हुए हों, कीड़ा पड़े हुए हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, सभी को आवश्यक रूप से प्रवेश दिया जाता है। तो अब फैलाना तो हमारे हाथ में रहा नहीं कि जब प्रवेश आवश्यक रूप से सभी को दिया ही जाएगा तो जितने आएंगे सभी अपना भाग्य लेके आते हैं, अभागा कोई आता नहीं। तो सभी जब भाग्य लेके आते हैं तो सभी को ले लेते हैं, लेते गए सब अपने आप बढ़ता जा रहा है, ब्रांचेस बनती गई धीरे धीरे, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। दूसरा, हम ये सोचते हैं देश में कहीं पर भी कोई ऐसा इंसान ना हो जो तड़फ रहा हो और बीमार हो, लाचार हो, उसको संभालने वाला कोई ना हो। हर शहर में एक ऐसी व्यवस्था हो, उनका अपना घर हो, और बाई चांस किसी के पास भी ऐसी स्थिति आ जाए कि मेरा ये दुनिया में कोई नहीं है तो उनको एक पता हो मेरा एक अपना है, वहाँ मैं कभी भी जा सकता हूँ, रात के 2 बजे हो, कुछ मेरे साथी हैं, भले उनसे खून का रिलेशन नहीं लेकिन मुझे संभालेंगे। ये एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिजाइन किया था। तो जहाँ लोगों ने इसको देखा,
दस लाख से ज्यादा लोग जुड़े हैं, दस लाख से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, जुड़े हैं। जैसे जैसे सेवा भावी हमारा जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी सेवा एवं संसाधनों के अभाव में दम न तोड़े, और इन प्रभुजनों की सेवा ही हमारी पूजा एवं आराधना है। जो धर्म जाति से अलग हटके इनमें विश्वास रखते हैं वो सभी जुड़ते चले गए। दो भवन गवर्नमेंट ने दे दिए, किसी किसी मंदिर वालों ने दे दिया, किसी व्यक्ति ने दे दिया, कुछ संस्था वालों ने दे दिया, जैसी जिसकी श्रद्धा हुई, जैसी श्रद्धा हुई, जहाँ जिसने भवन दे दिया वहाँ पर सेटअप शुरू कर दिया। और उसके अलावा हम चाहते हैं कि ये तो चल के आ नहीं पाते हैं, इनके पास जाना होता है, तो उसके लिए हमने तीन स्तर पर काम किया, जहाँ भवन मिल जाए अपना घर आश्रम, और जहाँ पे 21 मेंबर मिलते हैं वहाँ पर अपना घर सेवा समिति। जिस तरह से भारत विकास परिषद, लॉयंस क्लब, रोटरी क्लब होते हैं, उसी तरह से अपना घर सेवा समिति काम करती है। और उस क्षेत्र में कोई भी ऐसा इलाहाबाद प्रभुजन होंगे, वो नियर बाई जो भी अपना घर होगा उसमें वहाँ तक भेजने का काम अपना घर सेवा समिति का होता है। जहाँ तक कम लोग मिलते हैं हम अपना घर हेल्पलाइन शुरू कर देते हैं, हेल्पलाइन जब तक एम्बुलेंस पहुंचे जब तक वहां पर उनको संभालेगी, और फिर उनको वापस एम्बुलेंस जाएगी ले आएगी, अपना घर लाने के बाद हेल्पलाइन का काम पूरा हो जाता है। अगला यहाँ जो विशेष बात है, इस आश्रम का रोजाना का खर्चा 3.5 लाख रुपए पर डे का है, 3.5 लाख रुपए पर डे का खर्चा होता है। लेकिन सरकार से कोई पैसा मिलता नहीं, चंदा मांगने यहाँ से कोई जाता नहीं, जो भी जरूरत होती है ठाकुर जी को रोजाना चिट्ठी लिखी जाती है, सुई से लेकर सुई हो, एम्बुलेंस हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, दाल हो, चावल हो, आटे हो, इवन अंतिम संस्कार की सामग्री की भी जरूरत होगी हम ठाकुर जी को लेते हैं। और जो सभी आश्रमों में है, 3200 आश्रमों में इंडिया, इवन नेपाल में काठमांडू में आश्रम है, वहाँ पर ठाकुर जी को चिट्ठी लिखी जाएगी, जो भी जरूरत है रोजाना लिखी जाएगी, ठाकुर जी विभिन्न मानव स्वरूपों में आके उस चिट्ठी को पूरा करते हैं। चिट्ठी वो जरूरतों जो जरूरत होती है सब विभिन्न मानव स्वरूपों में आते हैं लेकिन पूरा कर देते हैं। और बाई चांस नहीं आए तो हम ये नहीं सोचते कि संसार में अभाव है, हम ये सोचते हैं हमारी पात्रता में कहीं हमसे कहीं कोई चूक हो रही है, इस वजह से संसाधन नहीं आ रहे। जब चूक पूरी हो जाती है संसाधन आना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो व्यवस्थाएं इस आधार पर नहीं करते हम लोग कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं, फंड्स क्या हैं, व्यवसाय इस आधार पर तय करते हैं कि इनकी जरूरतें क्या हैं, हमारी ज़रूरतें क्या हैं, जब हम अपने रिसोर्सेज बनाएंगे नहीं, इन प्रभुजनों की जरूरत क्या है, चिकित्सा में क्या आवश्यकता है, भोजन में क्या आवश्यकता है, वस्त्रों में क्या आवश्यकता है, उनकी जरूरत होगी हर हाल में पूरी की जाएगी। हम सोचते हैं हम इन्हें माँ नहीं दे सकते, पिता नहीं दे सकते, बहन नहीं दे सकते, भाई नहीं दे सकते, लेकिन बेसिक नीड है वो तो हम पूरी कर सकते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट है और उसको हम पूरा करते हैं। उसके अलावा अगर दुनिया में एक सर्वे होना कि सीमित रिसोर्सेस में बेस्ट सर्विस कहाँ होती है, उसमें जो नाम होगा ना सबसे ऊपर, उसमें अपना घर का नाम सबसे पहले होगा। अभी भी यहाँ पर 3100 प्रभु जी, 200 से ज़्यादा का स्टाफ, 23 से ज़्यादा एम्बुलेंस एवं वाहन, जीप सेवा, हॉस्पिटल सर्विस, 3100 से 2900 दवाई खाने वाले, वस्त्रों का खर्चा, टोटल जो भी खर्चा है एक प्रभु जी का एक महीने का जो खर्चा आता है ना 2070 रुपये आता है। मुझे लगता है कोई भी ये कह सकता है सर 2000 रुपये में तो खाना ही बनता है, लेकिन खाना नहीं बनता, यहाँ पर 2000 रुपये में जीवन बनता है। जो काम करते हैं वो चीज़ आपने काम की है। तो हम कोशिश करते हैं कि रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन, फेथ, अगर किसी कि अगर सूचना आ जाए तो हम कोशिश करते हैं कि मिनिमम टाइम में उनको 300 से 400 किलोमीटर तक हम तुरंत सर्विस दे पाते हैं। अगर इससे ज़्यादा दूरी है तो हम निवेदन कर देते हैं सर आप वहाँ से हमारे पास पहुँचा दें और यहाँ पर आवश्यक रूप से प्रवेश दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि साहब हम इनको नहीं लेंगे, इनको नहीं लेंगे, आवश्यक रूप से प्रवेश दिया जाता है सर। एक क्वेश्चन में मैम आपसे भी लेना चाहूँगा, और उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। अभी जब मैं लौट आ रहा था इधर तो मेरे को दो महिलाएं मिली और वो पता है क्या कह रही थी, वो ये कह रही थी कि आज तो हम अपने बच्चों से भी ये कह देते हैं
कि अगर हमें ठीक से नहीं रखा तो हम अपने घर में चले जाएंगे, यानी कि अपना घर आश्रम वहां चले जाएंगे। सोचिए ये फीलिंग उन्होंने बिल्ड करी है, बहुत मेहनत लगती है व्यूअर्स, ऐसा मजाक नहीं है। ऐसी फीलिंग को बिल्ड करना ये इन लोगों की मेहनत है, और इन्होंने इतना सब कुछ किया कि आज 6000 से ज्यादा लोग इन्हीं से प्यार करते हैं और इन्हीं के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। एक क्वेश्चन मैं आपसे लेना चाहूंगा, कोई तो एक ऐसा एक्सपीरियंस होगा जो आप हमें शेयर करना चाहेंगे, एक एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए। मैं यहाँ जो प्रभु जी आते हैं उनकी स्थिति इतनी नाजुक होती है, इतनी दयनीय होती है, बरसों से नहाए नहीं होते हैं क्योंकि उनको सालों से कोई संभालने वाला नहीं होता है, उनको भोजन नहीं मिलता है, कुपोषण के शिकार होते हैं, एक्सीडेंट हो गया, कोई घाव हो गए, बहुत बड़े बड़े घाव हो जाते हैं, उनमें किलो के हिसाब से कीड़े पड़ जाते हैं। किलो के हिसाब से? हम भी सोचते थे कि कभी हमने भी कीड़े नहीं देखे थे, लेकिन जब ये सेवा कार्य शुरू हुआ तो हमें पता चला कि इंसानों के भी कीड़े होते हैं, और मतलब बहुत बड़ी संख्या में कीड़े होते हैं उनको। और आप सोचिए जब इतना जरा सा कहीं चोट लगती है कितना दर्द होता है, कितना बड़ा घाव उसमें कीड़े नोच नोच के खाते तो कितना तड़पते हैं, कितना दर्द होता है उनको। अभी अगस्त में अपने यहाँ एक प्रभु जी आए थे और उनकी एज भी मुश्किल से 22-23 साल होगी, और वो अपने पास फोन आया तो हमारी दिल्ली आश्रम की एम्बुलेंस गई दिल्ली कश्मीर गेट पे, वो कई दिन से तड़प रहे थे बड़े प्रभु जी, और जब वहाँ से उनको लिया तो उनको सीधे भरतपुर लेकर आ गई हमारी टीम, क्योंकि केवल हॉस्पिटल वाले भी से पेशेंट को लेने में आनाकानी करते, तो वो सीधे यहाँ आ गए। और जब रात को करीब वो 12:30 बजे उनको प्रभु जी को भरतपुर लेकर आए, और जब उनकी स्थिति देखी कि हाँ डॉक्टर साहब तो बाहर थे, तो हमारी टीम थी, स्टाफ हमारा भी और मैं थी, तो जब हमने देखा कि एक 22-23 साल का लड़का है और उनको उनके गुप्तांगों को बुरी तरह से कीड़े खा गए, मतलब आप ये सोचिए कि निशान तक नहीं थे वहाँ गुप्तांग, तो ये हमने भी इतने सालों में इतने प्रभु जी के कीड़े देखे, घाव देखे, लेकिन इतना कष्ट कभी नहीं भूल, मतलब गुरु कांपने देखने के बाद। ये स्थिति भी इंसान की हो सकती है, सबसे नाजुक अंग होता है हमारे शरीर के ये, और कितना तड़पता है इंसान, कितना दर्द होता है उसको, उनको देखने के बाद उनको कोई ये नहीं कह सकता वो मेल है या फीमेल है, सही बात है स्थिति उनकी, तो उनको देखने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि क्या है इंसान ना। और उस दिन ऐसा होगा कि जब उनकी चिकित्सा वगैरह हो गई उसके बाद जब मैं सोने अपने कमरे में 1:30 बजे के लिए पूरी रात बीत गई। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, और वो क्या है कि सर हमको आप दोनों ही बताइए कि आजकल जो बच्चे हैं वो अपने सीनियर सिटीजन्स को, अपने मम्मी पापा, उनके दादा दादी, उनको वो कैसे टैकल करें जिससे उनको भी घर छोड़ने की जरूरत ना लगे, या उनको भी ऐसा फील ना हो कि अब हमें घर से निकलना चाहिए, कहीं जाना चाहिए, आप दोनों ही हमको बता सकते हैं। देखिए जो सीनियर सिटीजन होते हैं ना, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि उनके पास पूरे जीवन का अनुभव होता है, उनके पास एक निधि होती है। अब हो क्या गया है कि हम लोग पैसे को ही निधि मानते हैं, सच बात है, और जब पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, पैसा तो कहीं से भी कमाया जा सकता है, लेकिन उनके पास जो अनुभव होते हैं, जो वो निधि होती है, उस निधि को जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि असली निधि ये है एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस को उनसे कैसे ले सकते हैं, जब हमें ये पता चल जाए इनके पास बहुत बड़ा खजाना है तो हम छोड़ ही नहीं सकते। हाँ, तो सबसे पहले तो हमें सोचना पड़ेगा, हमारे सीनियर सिटीजन है उनको भी इस लेवल पर जाना पड़ेगा, उनको ये बताना पड़ेगा, जाहिर करना पड़ेगा कि हमारे पास बहुत बड़ा खजाना है, और बच्चों को ये समझना पड़ेगा कि अगर हम चूक गए तो इनके जाने के बाद और कोई दुनिया में, माता पिता के जाने के बाद इस खजाने को दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमें दे दे। ये दो बातें अगर समझ में आ गई तो ना तो सीनियर सिटीजन जाएंगे कि उनको इस बात का एहसास हो जाए कि मेरे पास बहुत बड़ा खजाना है, मुझे अपने बच्चों को देते ही जाना है, दूसरा बच्चों को ये पता हो जाए पापा के जीवन का पूरा खजाना उनके अनुभव है जिससे मुझे पूरा जीवन आगे चलाना है। जो संपत्ति है वो तो कभी खत्म हो सकती है, लेकिन जो अनुभव मिलेगा वो कभी खत्म नहीं होगा, हमेशा बढ़ेगा। तो जब ये एक सामंजस्य बन जाएगा तो
तो मुझे लग रहा है कि फिर कहीं कोई ना तो सीनियर्स जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं ना, आगे आने वाली पीढ़ी है वो जाने देगी। कहीं कहाँ जा रहे हो आप? आने वाली पीढ़ी को संस्कार भी तो मिलते हैं ना। मैंने देखा आपने बताया था कि हम अपने बच्चों को पढ़ाने के अलावा हम संस्कार भी उनको सिखाते हैं, तो वो चीज जब आप बिल्ड कर रहे हो तो जब ही तो आगे बढ़ पाएंगे। दो तीन चीजें हैं बच्चों के बारे में, हमारे जो बच्चे हैं ना हम तीन चीज पर फोकस करते हैं। यहाँ पे जो माताएं आती हैं, जो बच्चे पैदा होते हैं उनका एंटीनेटल केयर नहीं होती, गर्भावस्था के दौरान जो केयर देखभाल होती है माँ की वो नहीं हो पाती, कोई 7 महीने गर्भवती आती है, कोई 8 महीने की आती है, कोई 6 महीने की आती है। तो ज़्यादातर बच्चे कुपोषण का शिकार होते हैं, तो हम दो तीन बात का ध्यान रखते हैं हमारे बच्चे, नंबर एक एजुकेशन हो, उनका जो भी आई क्यू लेवल है कोई बच्चा स्टैंड नहीं कर पाया, हम उस हिसाब की एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं। दूसरा उनके पास हेल्थ हो, दूसरा हेल्थ, तीसरा संस्कार। और जब जिस बच्चे के पास ये तीन चीजें होंगी, स्वास्थ्य होगा, शिक्षा होगी और संस्कार होगा, फिर किसी चौथी चीज की बच्चे को आवश्यकता नहीं है, वो जीवन में कहीं पर भी कुछ भी कर सकता है। चरम पर जाने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता होगी, हम ये देने की कोशिश करते हैं। आपने सर वाकई में बहुत ही सुंदर काम कर रहे हैं। मैं एक लास्ट क्वेश्चन और आपसे लेना चाहूंगा, वो ये है कि आप हमारे यूथ को एक ऐसा मैसेज दीजिए जिससे ये सब सारी जो एक्टिविटी है ये रुकने का या थमने का नाम ले, वो आप मैसेज अगर देंगे तो शायद उनको थोड़ा बहुत कुछ समझ में। देखिए विज्ञान का युग है और यूथों के पास बहुत कुछ है, बस अगर कमी है ना संकल्प की कमी है। हम क्या करते हैं, ज्यादातर यूथ क्या करते हैं, वो कहते हैं मेरे जीवन का ये उद्देश्य है, ये जीवन का उद्देश्य बना लिया तो जरूरी नहीं वो उद्देश्य पूरा हो जाए। करना क्या चाहिए, किसी उद्देश्य के लिए जीवन को लगा दो। जब आप किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए जीवन को लगा देंगे दुनिया की कोई शक्ति नहीं है कि उद्देश्य जिसके लिए आपने जीवन लगा रखा है वो पूरी ना हो। जो भी करना है संकल्प के साथ करें, कोई विकल्प ना देखें, ये नहीं होगा तो ये कर लेंगे, ये नहीं होगा तो ये कर लेंगे, कुछ नहीं करना है तो यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। ऑप्शन होंगे तो आप भटक जाओगे, भटक जाएंगे, ऑप्शन नहीं होना चाहिए। हम जब स्टेप पे चढ़ते हैं ना, हमारे जो कॉन्सेप्ट है हम जहाँ जहाँ आगे चढ़ते हैं पीछे से सीढ़ी हटा देते हैं, पिछली स्टेप हमारे पीछे नहीं मिलेगी जहाँ हम जाते हैं, हमारे पीछे लौटने के लिए नहीं होता, पीछे देखने के लिए वक्त नहीं होता है, सिर्फ आगे और आगे। और परमात्मा जब इतना इस फंडा के साथ जब चलते हैं ना, परमात्मा खुद आके संभाल लेता है कि मैं हूँ, चिंता मत करो। तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा यूथ से कि वो संकल्प के साथ काम करें, विकल्प ना रखें और जो भी करना है कदम बढ़ाते जाएं। परमात्मा इंतजार कर रहा है आपको संभालने के लिए, आपको सफल करने के लिए। अगर असफल होते हैं हम अपने कर्मों से होते हैं और अपने संकल्प विहीन कुछ भी कर लेंगे, कुछ भी हो जाएगा। इस ऑब्जेक्ट के साथ काम कर रहे होते हैं तो फिर हो जाते हैं। परमात्मा तैयार खड़ा है आपको अक्वायर करने के लिए। देखिए व्यूअर्स, उन्होंने बहुत अच्छा लेसन दिया है, वो ये दिया है कि जब तक आपके पास ऑप्शंस होंगे आप ऑप्शंस को चुनने में लगे रहेंगे। जिस दिन आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा उस दिन आप उसी के ऊपर चलेंगे और उसको अचीव भी कर पाएंगे। और इसी के साथ इनका टाइम बहुत बेशकीमती टाइम है, अब हम इनसे विदा लेते हैं और कोशिश करिए कि आप कुछ ऐसा कर सकें कि मैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स दूंगा, अकाउंट नंबर्स दूंगा, आप वहां पर आकर जो कुछ डोनेट करना चाहें वो डोनेट कर सकते हैं। और इससे क्या है कि इनके लिए नहीं उन प्रभु जी को बहुत हेल्प होगी, इनकी तो अपनी नीड बहुत कम है, जब भी तो ये इतना सब कुछ चला पा रहे हैं। आप उनके लिए कुछ करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए जिससे आपको सारी अपडेट्स हमेशा मिलती रहे। नहीं भले ही आप डोनेशन दें न दें लेकिन एक बार आके देखें जरूर। हमारा सबसे ऑब्जेक्ट मेन ये है आप आके एक बार अपना घर को देखें और देखने के बाद फिर आप खुद चुन लेंगे कि क्या करना चाहिए। थैंक